नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक आप अपने मोबाइल पर बहुत ही आसान तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं। आपका अपना आप यहाँ पे PNB बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और आप अपने यहाँ पे अकाउंट की पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कौन सा है वो एप्लीकेशन, किस तरीके से आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन पे आपको ये एप्लीकेशन दिख रहा होगा, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो PNB का एप्लीकेशन है, इसको आपको यहाँ पर इस तरीके से PNB के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हमने PNB का ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप जो नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हुआ, आप देख सकते हैं ऊपर लिख के आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ पे सेकंड यहाँ पे बोल रहा है यूज़र आईडी, और यहाँ साइन इन एंड न्यू यूज़र। तो अभी हमारे पास यूज़र आईडी नहीं है, तो हमको न्यू यूज़र पे क्लिक कर लेना है। अभी हमको रजिस्टर्ड करना है, तो हम यहाँ पे न्यू यूज़र पे ऐसे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लगने वाली हैं, क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपके पास इसको यूज़ करने के लिए आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपका ATM कार्ड होना चाहिए, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसको रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो चलिए वे तो हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख के आ रहा है रजिस्टर्ड। तो ये चार स्टेप में जो है प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे अपने जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, जो भी अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट नंबर की हमको डिटेल चाहिए है, तो वो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे। तो हम अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इस तरीके से हमने अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है। आप भी अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ रहा रजिस्टर्ड चैनल मोबाइल बैंकिंग सर्विस, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, चूज फ्रॉम प्रेफरेंस मोड ऑफ द ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आप मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग भी ऐड करना चाहते हैं, और आप यहाँ पे व्यू पूरे ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं, तो व्यू एंड ऑल ट्रांजेक्शन पर आप क्लिक कर दीजिए, और आप यहाँ पर जो कंटिन्यू का बटन है उस पर इस तरीके से क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमने अपना अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद जो हमारे एक रजिस्टर्ड जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, तो वो OTP हमको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मेरे नंबर पे OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ पे OTP एंटर कर देता हूँ। इस तरीके से आपके भी रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ जाएगा, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर इस तरीके से क्लिक कर देंगे। तो अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन हो गया, फर्स्ट ग्रीन हुआ, अब सेकेंड ग्रीन हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे बोल रहा है आपका जो ATM कार्ड होता है, ATM कार्ड का जो नंबर होता है आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद ATM का जो आपका पिन होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हम अपना जो है ATM का कार्ड नंबर और यहाँ पे पिन एंटर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना ATM का कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हमने अपना ATM कार्ड का नंबर और पिन एंटर कर लिया है। उसके बाद हमको यहाँ पे सबमिट के बटन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने जो ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ते जा रहा है। अभी सेकंड पे ग्रीन था, अब थर्ड जो है ग्रीन हो गया है। तो हमको यहाँ पर जो है साइन इन पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड जो है यहाँ पर हमको डालना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड जो है करना है। तो पहले हम अपना यहाँ पर जो है साइन इन पासवर्ड बना लेते हैं। तो ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं व्यू पासवर्ड पॉलिसी, तो आप यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए कि आपको किस तरीके का पासवर्ड जो है बनाना है। तो यहाँ पे पॉलिसी में दिया हुआ है जो मिनिमम पासवर्ड का जो मैं नंबर है वो 6 रहेगा, 6 से लेकर आप 28 करेक्टर के बीच में आप ये पासवर्ड बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड स्पेशल करेक्टर, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर में आपको जो है अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आप जो है अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, अच्छे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करिए। तो हम भी अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कर लिया है, तो आप भी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपना एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट का बटन आ रहा है, तो सबमिट के बटन पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो हमने सबमिट के बटन पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिख के आ रहा है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ पे कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद हमको जो है साइन इन पे जाना है, तो हम साइन इन के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो यूज़र आईडी है, अपने पास यूज़र आईडी नोट कर लेनी है आपको, जो आपकी यूज़र आईडी है वो आप नोट करके रख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिख के आ रहा है,
तो आपको जो यूज़र आईडी है ये अपने पास लिख के रख लेनी है, और या फिर आप फ़ोटो खींच के इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर कहीं लिख के रख लीजिए। तो अब हम जो है साइन इन पे जाके क्लिक कर लेते हैं। तो हमने ये साइन इन पे क्लिक कर लिया, अब हम यहाँ पे यूज़र आईडी अपना एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है अपना यूज़र आईडी एंटर कर देते हैं। तो आपका जो यूज़र आईडी आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। यूज़र आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके नंबर पर एक जो है ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो मेरे नंबर पर ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू के बटन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बोल रहा है न्यू एम पिन यहाँ पे आपको सेट करना है। तो आप जो भी यहाँ पे पिन सेट करना चाहते हैं वो पिन आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। तो चार अंकों का जो है पिन आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो मैं अपना यहाँ पे पिन सेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पे पिन जो है एंटर कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट के बटन पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एम पिन भी जो है सक्सेसफुली हो चुका है रजिस्टर्ड। तो इस तरीके से हम साइन इन के ऑप्शन पर फिर से क्लिक, साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो पेज ओपन हुआ है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कस्टमर जो है बैंक में जिनका नाम रजिस्टर्ड है उनका नाम आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है प्लीज़ एंटर द 4 डिजिट MPIN। तो जो हमारा पिन है वो हमको यहाँ पे एंटर कर देना है, जो अभी हमने रिसेंटली 4 डिजिट का बनाया है। तो यहाँ पे मैं अपना एम पिन ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं अपना एम पिन यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो जो मेरा अकाउंट की पूरी डिटेल जो है ओपन हो जाएगी। तो आप देखेंगे इस तरीके से जो है ये आप देख सकते हैं होम लिख के आ गया है। यहाँ पे सेविंग, करंट, ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट, और सबसे मेन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एम पासबुक लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका एम पासबुक में आपकी पूरी डिटेल दिख जाएगी। तो आपको यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे 2 अकाउंट हैं, तो आपका जो भी अकाउंट हो तो आपको अपने अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो मैं अपने अकाउंट पे आपको क्लिक करके बता देता हूँ। आप यहाँ से डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट का आपको ट्रांजैक्शन देखना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्लिक करके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट आ गया है। इस तरीके से आप पूरा स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्टेटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्टेटमेंट को अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं PDF में भी डाउनलोड हो गया, सक्सेसफुल लिख के आ रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ बैक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र भी आप अमाउंट कर सकते हैं, UPI स्कैन करके आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप बिजली का बिल वगैरह भी जमा कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड और आपके लास्ट SMS की जानकारी, चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ये जो है काम का एप्लीकेशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो डिटेल किस नाम से रजिस्टर्ड है, अकाउंट आपका किस नाम से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो भी। और यहाँ पे हम सेविंग के ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो है अकाउंट की डिटेल, अवेलेबल बैलेंस वगैरह आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बैक कर लेते हैं। इस तरीके से जो है आप जो है अपने PNB बैंक का पूरा स्टेटमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक का बटन दबाकर हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में ये घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।